रेफरल अस्पताल राजदरबार में 2 दिवसीय प्रखंड आयुष मेला सह निःशुल्क जांच शिविर शनिवार को शुरू हो गया। मेला में आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, नेत्र रोग, टीबी रोग, परिवार नियोजन समेत विभिन्न रोगों के स्टॉल लगाए गए थे। इस दौरान आयुर्वेद के 105, होम्योपैथ के 46, यूनानी के 114 मरीजों का इलाज किया गया। FPBT मीना देवी ने बताया कि मेला के माध्यम से 15 महिलाओं का बंध्याकरण किया गया। कहा कि बंध्याकरण कराने वाली महिलाओं को 2000 तथा सहिया को 300 रुपया दिया जाता है। इसके अलावे धनवार के MTC केंद्र में 2 कुपोषित बच्चों को भर्ती लिया गया। वहीं 15 मरीजों के बलगम की जांच की गई। नेत्र पदाधिकारी सुरेश बनवाल ने बताया कि 25 मरीजों ने नेत्र जांच करवाई और आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, योगा और सीधा, ये 4 चीज मिलकर के आयुष बना है और चारों चीज नेचुरोपैथी है, किसी तरह का इसमें साइड इफेक्ट नहीं है और साथ में आपके रहने बोलते लोगों को स्वस्थ रखें और हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिवसीय आयुष मेला का आयोजन किया गया है जो झारखंड के हर जिले में इसका लगाया जाना है और हर जिले के 2 प्रखंड, अभी 2 प्रखंड को चूज किया गया है जिले में और आपके गिरिडीह जिला में राजधनवार और बेंगाबाद को चूज किया गया। खुशी की बात है, हर्ष की बात है कि पहले 2 प्रखंड को चूज किया गया है। इस प्रखंड में आयुष मेला लगाया गया है, प्रचार प्रसार किया गया है और इसमें आयुष का पाथपैथी का ये कम्बिनेशन है, आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ, ये 5 पैथ मिल करके ये आयुष बना है। आयुष का मतलब ये है कि किसी तरह का जो भी दवा है उसे, जो भी दवा उसे यूज कीजिएगा, जो ये नेचुरोपैथी प्योर है, इसमें साइड इफेक्ट नहीं है और एलोपैथ में सही मानो हमारे वीडियो साहब भी इसके काफ़ी जानकार भी है और एलोपैथ से कितनों कैसे भी दवा खाइएगा, यहाँ तक कि आप विटामिन भी खाते हैं तबो साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि कोई भी विटामिन अल्कोहल के बगैर नहीं बनता है। और आयुष नेचुरोपैथी है और नेचुरोपैथी को अपनाना जरूरी है क्योंकि हर चीज नेचर से। आयुष मेला में कितने लोगों का इलाज किया गया, कितने लोगों को दवाइयाँ दी गई, क्या क्या इलाज यहाँ पर किया गया था? प्रखंड आयुष मेला जो 2 दिवसीय है, आज का दिन काफ़ी सफल रहा और काफ़ी लोग आए यहाँ पे और जिनका अलग अलग तरीके से काउंटर लगा हुआ था, जिसमें होम्योपैथी डॉक्टर भी थे और यूनानी डॉक्टर थे, आयुर्वेद डॉक्टर थे और योगा के भी एक टीचर थे, जिसमें मरीज़ों का बाकायदा निःशुल्क जो है परामर्श भी दिया गया और निःशुल्क दवाएं भी दी गई। हम उम्मीद करते हैं कि कल भी भारी तादाद में प्रखंड से सारी जगह से लोग आएंगे। लगभग आज 550 से ज़्यादा लोगों ने इस मेले से फ़ायदा उठाया, जिसमें बहुत सारे स्टॉल में जैसे MTC में जो है जो कुपोषित बच्चे होते हैं वहाँ भी आए, जिसमें हम 2 बच्चों को आज MTC में उसको एडमिशन भी लिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल भी भारी तादाद में लोग 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मिला रहेगा उससे। ये प्रस्तावित है, ये नेशनल प्रोग्राम है और इसको प्रखंड आयुष मेला के नाम से 2 दिवसीय मेला किया जाएगा, जो कि आज ये पहला दिन था और कल 27 तारीख को भी होगा। इसमें भिन्न भिन्न मन हमारे विभाग के जो है कि आयुष डॉक्टर, मतलब कि यूनानी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथ सभी विभाग के स्टॉल लगे हुए थे और सभी तरह के लोगों को दवाई दिया, देखा गया और मुफ्त में दवा बांटी गई। और ये कल भी होगा प्रोग्राम, जिसमें हम लोग जागरूकता के लिए योगा का भी व्यवस्था किया गया है, आयुर्वेद दवाई से क्या फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा है लेकिन उसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है, यूनानी में भी नहीं है, होम्योपैथिक में नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत है। और साथ साथ में हम लोग जागरूकता के लिए और भी परिवार कल्याण से संबंधित, जिसमें कि परिवार कल्याण के लिए लोगों को प्रोत्साहन कर रहे कि NSB,
इसके लिए परिवार कल्याण संबंधित जितने भी हैं उसका भी व्यवस्था किया गया था, जिसमें लोगों को काउंसलिंग किया गया, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताया गया, कुष्ठ से भी संबंधित थे कुष्ठ से भी लोग आए उसके भी जांच पड़ताल किया गया, जिसमें कि सुनबहरी का कुछ इलाज होता उसका भी देखा गया, टीबी का भी देखा गया, जिसमें टीबी का भी एक मरीज पॉजिटिव पाया गया है, उसका भी हम लोग जाँच करके दवाई दिए हैं। जाँच करने के लिए स्पुटम लिया गया है, जो भी पॉजिटिव निकलेंगे उनका दवा दिया जाएगा। ये मुख्य रूप से जागरूकता के साथ साथ में लोगों को कॉन्शसनेस के लिए और आयुष आयुर्वेदिक और खान पान का तरीका, रहने का तरीका और किस तरह से खाना है रहना है जिससे कि बीमारी को रोका जा सकता है, तो इस सब का भी काफ़ी जानकारी दिया गया, जिसमें सहिया दीदी थी, एनएम थी और भी एमपीडब्ल्यू थे, सारे कार्यकर्ता एलटी से लेकर सभी लोग लगे हुए थे और मेरे आयुष के डॉक्टर थे, होम्योपैथी के डॉक्टर थे जिसमें कि सभी लोग थे और एलोपैथ के डॉक्टर थे, सभी लोग ने मिल करके ये काम किया है और अच्छे आज की उपलब्धि है। काफ़ी लोगों ने दवाई लिया है और मुफ्त में दवा इलाज कराया है और दवा भी मुफ्त मिला है। कल भी होगा, उम्मीद है कि कल भी काफ़ी संख्या में भीड़ बढ़ेगी और लोगों का हम लोग इलाज करने के लिए तत्पर रहेंगे और कहीं भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों का पब्लिक का भी हम लोग को योगदान और हेल्प मिलते रहे, जिससे कि लोगों का फायदा हम लोग दे सकें। आयुष मेला का आज आयोजन किया गया है, यह आयोजन दो दिन के लिए है, 26 और 27 को। ये हेल्थ विभाग और प्रशासन प्रखंड प्रशासन की तरफ से इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। एलोपैथ के अलावा भी हमारे यहाँ चिकित्सा की ये पद्धति है आयुष, जिसमें आपका आयुर्वेद है, यूनानी है, योगा है, सिद्ध है, इन सब पद्धतियों का यहाँ प्रचार प्रसार किया जाएगा। उसके यहाँ डॉक्टर्स हैं, यहाँ नोडल पदाधिकारी उपस्थित हैं और जो लोग भी व्यक्ति यहाँ आएंगे उनको चेकअप किया जाएगा, अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो दवा दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो लोग जागरूक अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहते हैं, डॉक्टर यहाँ अवेलेबल है, मेडिकल स्टाफ है, वो स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उनके हेल्थ के लिए कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन है, मिनरल्स है, ये पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है शरीर के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा जो शरीर है वो जल्दी बीमारी ग्रस्त न हो, इसके लिए भी लोगों से मैं आह्वान करूंगा इस क्षेत्र के लोगों से कि आप मेला में आइए और हमारे जो भी आयुष मेला के जो भी कर्मी हैं, चिकित्सक हैं, उनसे आप परामर्श लें और हेल्थ अपने हेल्थ के प्रति सचेत रहें।